नमस्कार। सर्वप्रथम जन सरोकार मंच का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे कविता बोलती है पर अवसर दिया फिर से पुनः पुनः। आज मैं आपके पास अपनी कुछ ऐसी कविताएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिन्हें मैंने बहुत कम सुनाया है और आज इन कविताओं को सुनाने की बहुत इच्छा हो रही है मुझे। अभी जो कोलकाता में जो अभी घटना घटित हुई है उससे मन बहुत दुखी है। जहाँ समाज इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी प्रगति हो रही है सभी क्षेत्रों में, लेकिन मनुष्य का जो नैतिक पतन हो रहा है कहीं ना कहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, केवल मानवता की बात कर रही हूँ, नैतिकता की बात कर रही हूँ। ये एक कविता सुना रही हूँ। उदास पंछी को देख, उदास पंछी को देख प्रश्न उठा मन में, उदास पंछी को देख प्रश्न उठा मन में, क्यों सिसक रही है, क्यों सिसक रही है, क्यों संकुचाई सी बैठी हो आंगन में, क्यों सिसक रही है, क्यों संकुचाई सी बैठी हो आंगन में, विश्वरूपी इस मुक्त कानन में, विश्वरूपी इस मुक्त कानन में पंख है तो उड़ती क्यों नहीं, पंख है तो उड़ती क्यों नहीं, नए आयाम गढ़ती क्यों नहीं, नए आयाम गढ़ती क्यों नहीं, चेतना ने कहा, चेतना ने कहा क्यों सहारे की तलाश है, चेतना ने कहा क्यों सहारे की तलाश है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, पंछी आश्चर्य होकर बोली, पंछी आश्चर्य होकर बोली, जड़ हो गए हैं ये पंख, जड़ हो गए हैं ये पंख बस फड़फड़ाती हूँ, जड़ हो गए हैं ये पंख बस फड़फड़ाती हूँ, छोटे से आंगन में बैठ कर ही ऊंचे नभ के गीत गुनगुनाती हूँ, छोटे से आंगन में बैठ कर ही ऊंचे नभ के गीत गुनगुनाती हूँ, यदि पंख होते सबल, यदि पंख होते सबल तो क्या उड़ नहीं जाती, यदि पंख होते सबल तो क्या उड़ नहीं जाती, तब संसार को अपनी नजर से, तब संसार को अपनी नजर से देख पाती, तब संसार को अपनी नजर से देख पाती और मुक्त हो, और मुक्त हो, और मुक्त हो नवनूतन गीत गाती। हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य इस कुंठित सोच का, हाय दुर्भाग्य इस कुंठित सोच का, कब अंत होगा इस शोषण भरे दुराचार का, कब अंत होगा इस शोषण से भरा दुराचार का, इस मिथ्या प्रचार का, अगर दे सको, अगर दे सको तो दो साथ इस स्वतंत्र उड़ान का, अगर दे सको तो दो साथ इस स्वतंत्र उड़ान का, डुबकी तो खूब लगाए इस संगम में तुमने, डुबकी तो खूब लगाए इस संगम में तुमने, पर अर्थ न समझ आया इस परम शुद्ध प्रयाग का, डुबकी तो खूब लगाए इस संगम में तुमने, पर अर्थ न समझ आया इस परम शुद्ध प्रयाग का, कैसे मोल दोगे, कैसे मोल दोगे इस अनमोल त्याग का, क्या आंगन सुरक्षित है, क्या आंगन सुरक्षित है, पर डर किस बात का, क्या आंगन सुरक्षित है पर डर किस बात का, तू भी परीक्षित है, निर्भया है कहीं,
कहीं भय हारिनी भी, निर्भया है कहीं कहीं भय हारिनी भी। अब चहक मधुमेह होकर महक, कब तक शोक मनाएगी, कब तक शोक मनाएगी। अब वह पंख को मनोबल से सजाएगी, अब वह पंख को मनोबल से सजाएगी, उड़कर कहीं और चली जाएगी, उड़कर कहीं और चली जाएगी। ये देख मेरी कविता थी जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन ये अभी के परिप्रेक्ष्य में ये बैठी तो मैंने सुना दी। और एक दूसरी एक कविता सुनाती हूँ, मेरी पहली पुस्तक आंदोलित हुआ देवालय से, आशा। अभी जो दौर चल रहा है उसमें आशा तो है, मनोबल भी है, किंतु रह रहकर इस तरह की घटनाएं सुनकर, इस तरह की चीजों को देखकर कभी कभी निराशा भी होती है, अपना ही जीवन व्यर्थ लगने लगता है। फिर भी कवि मन है वो अपने आप को मनोबल से आगे की ओर ले जाता है, वो हार नहीं मानता। आशा, जहां विजय और प्रकाश है, जहां विजय और प्रकाश है, सामंजस्य और न्याय है, पवित्रता पूर्ण उन्मुक्त हास्य है। हास्य दो प्रकार के होते हैं, एक व्यंग्य हास्य, एक पवित्र हास्य। पवित्रता पूर्ण उन्मुक्त हास्य है जहां केवल विवेक भाष्य है, विवेक की भाषा बोली जाती है। प्रेम और लास्य है वही सदन चाहूं, वही सदन चाहूं, अब केवल मनन चाहूं, अब केवल मनन चाहूं। जहां सब मौलिक हो, जहां सब मौलिक हो, जिसकी नहीं कोई प्रतिलिपि, उत्कर्ष और उद्दात भाव हो, वही होता है श्रेष्ठ प्रगति। जिसकी नहीं कोई प्रतिलिपि, उत्कर्ष और उद्दात भाव हो, वही होता है श्रेष्ठ प्रगति, सर्वसम्मति। जहां कोई निर्देश और आदेश नहीं, जहां कोई निर्देश और आदेश नहीं, पाने के लिए तुच्छ अनुनय नहीं, क्रंदन नहीं। जहां विनय और प्रकाश है, जहां विनय और प्रकाश है, उसी हृदय की अब मुझे आश, वैसा ही हृदय चाहती हूँ अपने, उसी हृदय का, हृदय की अब मुझे आशा है। स्वयं को पाकर मौन है, स्वयं को पाकर मौन है, अपने चैतन्य मन से पूछो, अपने चैतन्य मन से पूछो, वहां कौन है। युगांतर या अंतर, युगांतर या अंतर, होने का डर यहाँ निरंतर, वह भला पाएगा क्या, वह भला पाएगा क्या, जो निर्भीक नहीं, जो कुरूतियों से विद्रोह न कर सके, प्रयास को आरोही न कर सके, प्रतिष्ठा के आवरण को तोड़कर। प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा हम चाहते हैं ना, और झूठी प्रतिष्ठा का आवरण तोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रतिष्ठा के आवरण को तोड़ केवल चेष्टा करे, वही विनय और प्रकाश है। आंसर दे रही हूं मैं, वहां कहां विनय और प्रकाश है, वही विनय और प्रकाश है, वही विनय और प्रकाश है, केवल मुझे आशा है, केवल मुझे आशा है। ये दूसरी कविता मैंने आशा सुनाई, और एक कविता सुनाती हूँ अभी। ये जो लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार, इतना खराब, इतनी बेकार चीजें सुनने को मिलती हैं, तो बहुत दुख होता है। कभी कोख में मारी जाती हैं, तो कभी कोख में मारी जाती हैं, तो कभी घर में, तो कभी
बाजार में, तो कभी हॉस्पिटल में, कहीं कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोख भी सुरक्षित नहीं है। तो कोख में न मारो मां, ये मेरी जो कविता है ये मैम ने बहुत मन से लिखा है, और ऐसी कोई बहुत परिचित मेरी एक संगीनी थी, उससे जब मैंने बातचीत की इस विषय में, तो उसने मुझे एक अपने विषय में घटना मेरे साथ शेयर करी अपने बारे में। वो सुनने के बाद ही मैंने इस कविता को की रचना करी, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कोख में भी सुरक्षित नहीं है, है ना। तो दुख की बात है, लेकिन ये हमारे विश्व गुरु भारत का यही यथार्थ सत्य है। कोख में न मारो मां, मैं कभी न मरती, मां मैं कभी न मरती यदि तू न मुझे मारती, मां मैं कभी न मरती यदि तू न मुझे मारती, तू साहस है, तू ही शक्ति, तू ही अनुरक्ति, क्यों तू इतना डर गई मां, क्यों तू इतना डर गई मां, मैं तो जीवित रही तेरे दिल में मुझसे ही पहले तू मर गई मां, मैं भी तो थी सुखद अनुभूति, वो कोक से कह रही है, मैं भी तो थी सुखद अनुभूति तुम्हारी जीवन ज्योति, मां अकारण ही तुमने मुझे त्यागा, मां अकारण ही तुमने मुझे त्यागा, क्यों तोड़ दिया यह मोक्षमयी धागा, भविष्य रह गया अधूरा और अभागा, भविष्य रह गया अधूरा और अभागा, एक बार जन्म देकर तो देखती, एक बार जन्म देकर तो देखती, मेरे नाम की एक रोटी, मेरे नाम की एक रोटी तेरे मंदिर जैसे रसोई में पकती, मेरे नाम की एक रोटी तेरे मंदिर जैसे रसोई में पकती, मां मैं भी तो तेरे हाथ से बनी, मां कोक से कह रही है वो, मां मैं भी तो तेरे हाथ से बनी पकवानों को चखती, यह उलाहना नहीं है असीम वेदना है, यह उलाहना नहीं है असीम वेदना है, विवेचना और विश्लेषण कर्मा, विवेचना और विश्लेषण कर्मा इस कुत्सित प्रथा से द्रोह कर्मा, अब तो विद्रोह कर्मा अग्निशिखा सी जल उठ यूं निर्दोष होकर न घुट, मां मैं और तू एक हैं, दो नाड़ी गुथी हुई मैं भी तो तुझ संग बंधी हुई, कोख में न मार, जन्म दे और मुझे सवार, तेरी यह बेटी युद्ध करेगी, इन प्रथाओं को अवरुद्ध करेगी, जो भी करेगी विवेकहीनों के विरुद्ध करेगी, इतने कमजोर लोगों से तू कैसे हार गई मां, अपना सब कुछ यूं ही कैसे वार गई मां, परम बोध के न्याय से भरे मंदिर में तू खुद ही हार गई मां, भयभीत हो तू कैसे हार गई मां, मां तू बन प्रचंड, समय बनकर दे उन्हें दंड,
यह है पाखंड, मैं तेरी तनया हूं, मैं तेरी तनया हूं, उष्मा हूं, आग हूं, मैं तेरी तनया हूं, उष्मा हूं, आग हूं, मैं ही तो युद्ध शुद्ध प्रयाग हूं, मैं ही तो शुद्ध प्रयाग हूं, कोख में न मार, कोख में न मार, जन्म दे और मुझे सवार, जन्म दे और मुझे सवार। ये कोख से अनुरोध कर रही है अपनी माँ को। कितनी ही व्यथाएं हैं, कितनी ही आशाएं हैं, फिर भी निरंतर प्रयास है। और एक कविता सुना रही हूँ, ये भी तनया, सबकी तनया। आज जो मैंने जितनी भी कविताएं चुनी है, ये सब लड़कियों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है। सबकी तनया, सबकी तनया, स्निग्ध मलय, स्निग्ध मलय, मंदिर सा आलय, स्निग्ध मलय, मंदिर सा आलय, संकल्प शक्ति से रोके जो प्रलय, संकल्प शक्ति से रोके जो प्रलय, मन में द्वंद नहीं, विवेक मंद नहीं, मन में द्वंद नहीं, विवेक मंद नहीं, वह पथ हो तेरा, वह रथ हो मेरा, वह पथ हो तेरा, वह रथ हो मेरा, तनया स्तुति नहीं, तनया स्तुति नहीं, कोई प्रस्तुति नहीं, तुम्हारी वृत्ति की विकृति नहीं, तुम्हारी वृत्ति की विकृति नहीं, नत हो जाए स्वाभिमान तज कर, ऐसी स्वीकृति भी नहीं। शुभता में निवेदनशील, शुभता में निवेदनशील, जागृति में चेतनसी, औचित्य में दिव्यसी, महाकाव्यसी तनया। वेदना नहीं, वेदना नहीं, कामना नहीं, वेदना नहीं, कामना नहीं, जिसमें तुच्छ मनोकामना नहीं, प्रवाह और अथाह के मध्य निर्वाह सी, प्रवाह और अथाह के मध्य निर्वाह सी, चेष्टा और निष्ठा में भी जो पराकाष्ठा सी, चेष्टा और निष्ठा में जो पराकाष्ठा सी, वह है तनया। कारण जिसके अधीन नहीं, कारण जिसके अधीन नहीं, भावना और सृजन भी पराधीन नहीं, स्वतंत्र है। मौलिक विचार लिए, मौलिक विचार लिए, जैसे आंगन में संध्या के दीप और दिए जले, जैसे आंगन में संध्या के दीप और दिए जले, वैसी तनया छोटी सी मुनिया, जिसमें धैर्य और धारण है, जिसमें धैर्य और धारण है, वह तो उदाहरण है, वह तो उदाहरण है, मेरी बेटी, मेरी बेटी तुम्हारी गुड़िया, मेरी बेटी तुम्हारी गुड़िया, हमारी तनया सबकी तनया, सबकी छोटी सी मुनिया। ये कविता मैंने छोटी छोटी बच्चियों को के ऊपर लिखी है, छोटी छोटी बच्चों को देखकर ही मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुए और ये कविता मैंने लिखा। और एक दूसरी कविता सुनाती हूँ, एक कविता सुनाती हूँ ऐसे। ये कविता मेरी थोड़ी मैंने अलग तरीके से लिखी है, ये खंडहर, और ये ना एक स्टोरी बेस। मुझे एक बार ऐसा लगा कि कविता को कैसे मैं, एक कविता रहेगी वो, लेकिन उसको स्टोरी बेस कर देती हूँ। कविता को सुनने के बाद लगे कि कविता तो है ये, लेकिन स्टोरी जैसा लगे। तो ये मैंने ऐसा सोचा और ये खंडहर लिखा मैंने। एक पुराना खंडहर, एक पुराना खंडहर, जैसे दयनीय हुआ स्वर, एक पुराना खंडहर। और इसको सुनते हुए इमेजिनेशन करना जरूरी है, मतलब इमेजिनेशन करते करते अगर इस कविता को आप सुने तो सामने खंडहर नजर आएगा। एक पुराना खंडहर, जैसे दयनीय हुआ स्वर, कोने कोने में थे जाले, कोने कोने में थे जाले, टूटे दरवाजों में जंग लगे ताले, टूटे दरवाजों में थे जंग लगे ताले, खंडहर के पास एक नदी थी,
खंडहर के पास एक नदी थी, अब अकड़ गई है तिरस्कार से, न जाने कब इतनी सिकुड़ गई है, तिरस्कार से न जाने कब इतनी सिकुड़ गई है। नदी किनारे सीढ़ियां हैं पर तट खाली है। खंडहर के सीने में दहकते हुए छाले हैं। सदियों से उसने बड़े प्यार से पाले हैं। गरीब बच्चे चुन रहे हैं कचरे, धोबी घाट में सूख रहे हैं कपड़े। आस पास सूखी झाड़ी है। उस झाड़ी में अटकी एक पुरानी साड़ी है। उसके किनारे में दो बूंद आंसू भी मिला है। एक टूटी घड़ी किसी वृद्ध की पुरानी छवि। सब बिखरा है, सन्नाटा पसरा है। सुना है खंडहर के गर्व में खजाना है। वहां एक और महल है। आज भी वहां चहल पहल है। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं अलग माइंडसेट में जाकर ये कविता लिखी हूँ। और एक कविता और सुनाती हूँ, उसके बाद अंत करती हूँ। बहुत सी कविता है। विस्मृति सुनाओ कि शब्द सुनाओ। इस कविता को करीब मैंने 20 साल पहले लिखा था। 20 साल पहले की कविता है ये। शब्द जिसका कोई विकल्प नहीं वही शब्द है। विकल्प है जहां वहां शब्द, उस शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। जिसका कोई विकल्प नहीं वही शब्द है, जिसका अर्थ कभी न बदले वही शब्द है। जो कभी अनर्थ नहीं करता, जो कुछ व्यर्थ नहीं करता, वही शब्द है। उत्थान में संगीत सा, पतन में षड्यंत्र सा, कभी कभी अर्थहीन हो, दीन हो, दूसरों को छलता है। फिर शब्द ही शब्द को खलता है। वह तो उपायन है, मंथन है। केवल बोले जाने से, ये लिखे जाने से, ये गंतव्य को कभी नहीं पहुंचते। मंतव्य से भटक जाते, लिपियों के मध्य अटक जाते हैं, फिर सिसक कर रोते हैं अपने आप में संपूर्णता के लिए। भाव से जो निकलता है वही शब्द है जो निःशब्द होकर भी बहुत कुछ कहता है। जिसमें उत्कर्ष है, हर्ष है, कुछ निष्कर्ष भी है, वही शब्द है। शब्द केवल शब्द नहीं, नाद केवल नाद नहीं, संवाद केवल संवाद नहीं, जो निकले हृदय को निचोड़ कर
अहंकार को तोड़कर स्वयं को विस्मृत कर, अन्य को तृप्त कर, चेतना को लिप्त कर, जो उद्गार में है जो उद्भव में है, जो उद्गार में है जो उद्भव में है, जो उद्भ्रांत नहीं शांत है, वही शब्द है, वही शब्द है। एक और कविता सुनाओ कि बस करते हैं, बहुत सी कविताएं सुनाई और अब मैं इजाजत चाहती हूँ। देवेंद्र जोशी का जी का बहुत बहुत आभार, जन सरोकार मंच प्रणाम करती हूँ और समाप्त करती हूँ। नमस्कार।